सो गाइस एक बार हम दोबारा इसको भगाते हैं, कैसी आवाज़ आ रही है भाई, और भगाते हैं। कैसी लग रही है बाइक? बहुत अच्छी लग रही है। हाँ तो क्या कर गाड़ी को भाई। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हो आप सब? आप ऑक्टोपस अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक डोमिनार 400 2023 मॉडल के बारे में, और उसमें दिखाते हैं हम आपको क्या क्या उसमें मॉडिफिकेशन होने वाली है, कैसी कैसी टाइप की मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसके डिसएडवांटेज बताएंगे आपको कि उसमें किस टाइप की दिक्कतें होती हैं और क्या चीज़ उसमें अच्छी हैं क्या चीज़ उसमें बुराइयाँ हैं, वो भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और चलते हैं जल्दी से वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो, फिर बताते हैं वीडियो के बारे में डिटेल वगैरह। सिनेमैटिक शॉट कैसे लगे और कमेंट करके नीचे बताना। सो गाइस फाइनली ये है 2023 की डोमिनार 400, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें सबसे पहले पहले क्या क्या चीजें हैं कंपनी ने दे रखी है हमारे को और क्यों इसे लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए। सबसे पहले इसकी फ्रंट मडगार्ड की बात करता हूँ। जो आजकल क्या होता है ना कि जब आप कभी कहीं टूरर वगैरह बाइक परचेस करते हो ना, तो आपको आफ्टर मार्केट ये चीजें लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें कंपनी ने ऑलरेडी एक वाइजर दे रखा है और वो भी काफी हार्ड है इसकी। सो गाइस फाइनली मैं भी डोमिनार की लाइट की बात कर रहा था। डोमिनार की जो लाइट है ना, जो कंपनी दे रही है ना, वो बहुत अच्छी फिटेड में दे रही है। एक तो एलईडी मिल जाता है प्रोजेक्टर की तरह, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट, और बाइकों पे भी देखा होगा यामा वगैरह के बाइक में, तो उनमें क्या है आपको प्रोजेक्टर लाइट वगैरह यूज कर रहे हैं, तो इसमें ना एलईडी दे रखी है। तो डोमिनार की एक खासियत तो ये है कि बजाज भाई हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा काम करता रहता है ऑलमोस्ट, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे इसका जो वाइजर लगवा रखा है। और सेकंड चीज मैं बात करूँ यहाँ पे जो इसके हैंडल गार्ड दे रखे हैं, अगर आप आफ्टर मार्केट इसको लगवाने जाते ना, तो कम से कम इसका कॉस्टली मेरे ख्याल से अराउंड 700 से 800 रुपए पेयर पड़ता है इसका कम से कम, जो कि हमने भी देखा करोल में। बट अभी इसमें जो कंपनी दे रही है ना, वो ऑलरेडी इसमें फिटेड दे रही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जैसे 400 सीसी है, 400 सीसी में क्या होता है, एक तो गाड़ी हीट भी ज्यादा होती है, तो इसमें ऑब्वियसली सी बात है 200 सीसी से ऊपर के जितने इंजन में होते हैं, तो कंपनी क्या करती है, बजाज का एक रूल है, वो अपनी गाड़ी हीट तो होती है बट उसमें क्या होता है कि वो कूलेंट का सिस्टम देती है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कूलेंट का सिस्टम है, ठीक है, जो कि यहाँ बात करने वाले थे हम, जो इसके शॉकर है ना, वो शॉकर में एक्चुअली क्या है, जो हम और मैं आप देखोगे जैसे कि आपको एमटी वगैरह में देखा होगा आपने, तो ऑलरेडी आप कलर होके आ रहा है इसमें, तो अभी क्या है भाई ने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले ऑलरेडी सिल्वर कलर था जैसे कि इस टाइप का कलर था, ठीक है, तो भाई ने यहाँ पे क्या इसको रैप करवा रखा है, ठीक है। और मिरर की बात करूँ तो इसके मिरर भी काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे, और थोड़ा फ्लेक्सिबल है, देखते हैं तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है इसके। और की बात करूं देखो यहाँ पे तो एक तो आपको टॉप रैक मिल जाता है, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर हम राइड वगैरह करते हैं तो हमको एक टॉप रैक नहीं मिल पाता है ढंग का, तो ऑलमोस्ट यार कंपनी ने बहुत सोच समझ के इस बार काफी अच्छा टॉप रैक लगाया, ठीक है, सीट बैक का भी है इसमें आपको। तो अब दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं इसके सीट कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। तो सीट कैपेसिटी क्या होती है इसमें, देखो भाई कि अगर आप बैठ रहे हो ना, और अगर दो बंदे बैठ रहे हो बाइक में, तो कंपलसरी बता रहा हूँ लंबे रूट के लिए बहुत बेस्ट है, जैसे कि आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हो 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर ऑलमोस्ट आप लद्दाख वगैरह भी कर सकते हो, तो इसमें भी आप काफी अच्छे से मतलब जा सकते हो, सीटिंग की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है इसमें। तो अगर टैंक कैपेसिटी की बात, टैंक कैपेसिटी इसके होने वाली 13 लीटर की, जो कंपनी कमिटमेंट करती है कि इसके 13 लीटर का टैंक है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें भाई ने इसमें अलग अलग से मॉडिफिकेशन वगैरह कराई है, ठीक है। अब मैं वहाँ पे जो फॉक्स स्लाइडर होते हैं ये आपके क्या काम करते हैं मैं बता देता हूँ आपको, ये जब आपकी गाड़ी गिरती है ना तो उसके ये वाले पार्ट्स को बचाने का काम करते हैं, ठीक है। अब मैं और दूसरी मॉडिफिकेशन जो इसमें करा रखी है वो रिम की टेप करवा रखी है, ठीक है, जो हमारी जो अलाइवल की जो रिम होती है इसमें जो टेप करवा रखी है। तीसरी मैंने आपको बताई दी, इसमें जो गोल्डन कलर का रैप करा रखा है, ठीक है। और सबसे चौथी चीज की बात करूँ तो यहाँ पे एक मोबाइल होल्डर है, ठीक है। उसके बाद आपको एक यहाँ पे आपका जो फ्यूल कैप होता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, देखने को इसमें। और जो तीसरी और चौथी पांचवी चीज जो है वो है आपकी इसकी एचजेजी की फॉग लैंप, अक्सर देखा होगा आपने इसमें छोटी बड़ी सब आती है फॉग लैंप वगैरह, तो आपने ये वाली फॉग लैंप, ठीक है। अब चौथी पांचवी छठी बात करूँ तो मैं ये वाली होने वाली आपके क्रैश गार्ड आपको क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप गाड़ी वगैरह कहीं आपकी गिर जाती है तो आपको बहुत काम देते हैं ये वाले क्रैश गार्ड। अगर साउंड नहीं सुना तो भाई क्या सुना आपने, रियली बात है, क्योंकि देखो सुपर बाइक सेगमेंट में आती है ये, 400 सीसी का इंजन है, 400 सीसी का है, तो एक बार हम इसको ना चालू करके इसका साउंड दिखाते हैं आपको, यानी कि आपको दिखाते हैं, ठीक है, साउंड इसका कैसा होने वाला है, 400 सीसी इंजन का साउंड कैसा होने वाला है डोमिनार का, और काफी अच्छा साउंड है मैंने तो सुन रखा है, तो एक बार आपको सुनाता हूँ। इसके लिए क्या स्टैंड मैंने कर लिया ऊपर, और चाबी करके एक बार आपको साउंड
बनाता हूँ भाई फर्स्ट का, एक बार मैं इसको रैप करता हूँ देखो। तो गाइस काफी अच्छा साउंड है यार, सीरियसली साउंड। डिस्प्ले मीटर, ठीक है, डिस्प्ले मीटर किस तरीके का होने वाला है देखो, इस तरीके से, ठीक है। एक तो आपको साइड स्टैंड दिख जाएगा ताकि आपकी गाड़ी चालू ना हो, और न्यूटन वगैरह की सुविधा यहाँ से मिल जाएंगी आपको। और दूसरी चीज क्या है, जो आपका किलोमीटर होता है ना, वो टोटली किलोमीटर आपका क्या है, वो टैंक के पास दे रखा है यहाँ पे कंपनी ने। तो ये भी काफी अच्छा लगा मुझे फीचर ये वाला, ठीक है। तो ऑलमोस्ट गाड़ी में एक टैंक पैड भी लगा हुआ है। तो भाई गाड़ी में और एक चीज और करवाने वाली भाई, जितने भी डोमिनार के चाहने वाले हैं भाई, तो क्या था कि भाई कंपनी ना ये वाला चीज आपको नहीं, ये भी आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है बाहर से, ठीक है। इसकी भी 400 रुपए की समथिंग इसकी कॉस्टिंग पड़ जाती है भाई। तो ये वाली चीज भी लगाई गई है बाहर से, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि मिट्टी वगैरह उठ सकती है, तो इस चक्कर में तो यहाँ गंदी हो जाती है काफी ज्यादा भाई। तो ये भी कैसी लग रही है भाई? बहुत अच्छी लग रही है। हाँ तो क्या बोलोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्या करना है? सब्सक्राइब और लाइक। सो गाइस फाइनली अब हमने भाई, अब आ गए तुम्हारा भाई मोटो ब्लॉग में, और अब ना इस गाड़ी को हमें चला के बताता हूँ इसमें कैसा है। अभी नई गाड़ी है तो कैसी क्लिच स्मूथ वगैरह है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, चलते हैं बाइक पे, स्टार्ट करते हैं फटाफट और चलते हैं भाई। तो गाइस मेरा सिटिंग पोजीशन इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, जो भी मैं देख पा रहा हूँ। और आगे का मैं कंसोल बताता हूँ, वो मैं आपको चला के बताता हूँ। चलते चलते बात करते हैं मोटो ब्लॉग में कैसे कैसा होने वाला है। तो गाइस फाइनली क्या है कि भाई देख पा रहे होगे, तो गाड़ी तो काफ़ी स्मूथ चल रही है भाई, और ऑलमोस्ट जो गाड़ी का रेट है भाई, उसके अकॉर्डिंग मुझे अच्छी लगी गाड़ी। तो एक बार मैं आगे से घुमा के लाता हूँ भाई कैसी लग रही है गाड़ी मुझे। और भाई काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी, और एक बार भगाते हैं भाई थोड़ा सा ऐसे। मतलब गाड़ी तो काफ़ी अच्छी लग रही है भाई, स्मूथ है। तो गाइस एक बार हम दोबारा इसको भगाते हैं, कैसी आवाज़ आ रही है भाई, और भगाते हैं फटाफट गाड़ी को भाई। तो भाई गाड़ी तो बहुत अच्छी लगी भाई, और मज़ेदार गाड़ी है भाई, बहुत अच्छा पिकअप है, रियल भाई तो काफ़ी अच्छी लग रही है और मस्त भी लग रही है भाई सच में। तो भाई फाइनली ये था ब्लॉग आज का, और बाइक थी डोमिनार 400 भाई, तो काफ़ी अच्छी है, इनहेंस लुक है और काफ़ी अच्छी लगी और स्मूथ है। 400 सीसी में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन में मेरे को अच्छी लगी बजाज की तरफ से, बहुत बढ़िया लगा मुझे ये चीज़ काम। तो भाई इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।